ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड। कल हमने पढ़ा था कि डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर पूरी तरह से अंदर फिल्ड है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम इंक्रीज कर जाती है। बट नाउ अगर पार्शियली फिल्ड है डायलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरह से जैसे दिया हुआ है तो टोटल स्पेसिंग जो है प्लेट्स के बीच में डी के इक्वल है, बीच में हमने टी थिकनेस की एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है तो उसकी वजह से डायलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर जो है चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के तो अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आर्टिकल का जो प्रोसेस है वो लगभग उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था थोड़े से चेंजेस के साथ। V की वैल्यू अब कितनी थी, पहले हमने जो लिखी थी V की वैल्यू E इंटू डी लिखी थी पिछले आर्टिकल में, यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशंस हैं तो एक जगह पे आपके पास क्या आ जाएगी E इंटू टी और बाहर का जो खाली स्पेस है वहाँ पर क्या आ जाएगी E नॉट टी माइनस टी, क्योंकि टोटल थिकनेस में से टी अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी हिस्सा जो है वो खाली है। तो E नॉट डिवाइड बाय E जो कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, E की वैल्यू E नॉट डिवाइड बाय K कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो E नॉट कॉमन निकल जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा D माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाय K। तो यहाँ तक जो है पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, यहाँ जिस डायलेक्ट्रिक की वजह पर थोड़ा सा इस यहाँ पर चेंज आ गया, इस टर्म में चेंज आ गया, बाकी प्रोसेस आप देखना सेम है। यहाँ पर E नॉट क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू जो है चार्ज डिवाइड बाय एरिया कल भी हमने किया था उसके इक्वल आ गया, तो पोटेंशियल में आप E नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हो तो चार्ज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाय के। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। लास्ट टाइम जब आपने खाली वैक्यूम के लिए किया था एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय डी आया था तो ये टी वाली टर्म्स जो हैं इस बार एक्स्ट्रा आ गई। आप चाहो तो यहाँ से टी कॉमन निकाल सकते हो तो इस तरह से आपके पास रिलेशन बन जाएगा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पार्शियली फिल्ड इनसाइड द प्लेट। तो ये बेटा आपका रिलेशन इस तरह से बन जाएगा। हाँ अगर स्पेशल केस यहाँ पर कह लो कि आपकी जो वैल्यू है टी की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू डी, तो टी की वैल्यू अगर डी के इक्वल हो जाती है तो ये रिलेशन वही कल वाला रिलेशन दोबारा बन गया। तो कैपेसिटेंस विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के टाइम ए डिवाइड बाय डी। तो जब भी आप डायलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा भर देते हो बीच में तो कैपेसिटेंस जो है वैक्यूम के कंपेयर में के टाइम इंक्रीज कर जाती है और डायलेक्ट्रिक स्लैब डायलेक्ट्रिक का जो के होता है डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर उसके साथ ही मिलता जुलता और भी है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्ड। वहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्लैब थी, यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब है। तो एक चीज़ हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है हमेशा, तो वो जीरो हमने अंदर वैल्यू कर दी, बाकी सारा रिलेशन जो है वो सेम रहता है। तो कैपेसिटेंस सिंपल अगर वैक्यूम है तो ये वैल्यू बनती है, बट यहाँ पर वी की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी। अगर आप पिछला रिलेशन देखो तो हमने वहाँ पर डायरेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से किया था, टी थिकनेस ई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो बाहर की खाली जगह थी वहाँ पर ये वैल्यू है, बट बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू जीरो तो ये वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी आपके पास ये टर्म बचेगी। पोटेंशियल विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, तो ये आप वैल्यू ई नॉट की वैल्यू जो है आप यहाँ से पुट कर रहे हो, किसके इक्वल आएगी ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, सिग्मा की वैल्यू क्यू डिवाइड बाई ए क्योंकि सेम है ये सारा, तो ये वैल्यू आप पुट कर रहे हो। कैपेसिटेंस वही क्यू डिवाइड बाई बी क्योंकि तीनों आर्टिकल्स में जो है प्रोसेस है सेम है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये पुट करने के बाद आपके पास कैपेसिटेंस आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी वन माइनस टी ओवर टी। और अगर आप कंडक्टिंग स्लैब को पूरा फिल कर देते हो तो आपके पास जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी,
बट ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता कि अगर आप कंडक्टिंग स्लैब को पूरा फिल कर देते हो तो आपका ये जो कांटेक्ट है वो दोनों प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कंडक्टिंग बन जाएंगी और उसके बीच में जो है चार्ज स्टोर हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, बट अगर आप ऐसा कर पाओ कि दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टर भी फिल कर दो और उनमें से चार्ज फ्लो भी ना कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये आपका एक स्पेशल केस है जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसको आपने यहाँ तक करना है, ये आपके तीन जो दोनों आर्टिकल्स हो गए, ये डायरेक्टिंग स्लैब को अगर आप पार्शियली फिल करते हो तो क्या होता है, और अगर आप कंडक्टिंग स्लैब को पार्शियली फिल करते हो तो कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बेटा, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अच्छी तरह से इसको लर्न भी करना और कॉपीज़ के ऊपर नोट करना।